अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे. आज के लिए क्लास शुरू करते हैं. टुडेज डेट इज सेकेंड ऑफ मे एंड दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि क्लास नाइन्थ का जो फिजिक्स है वो बहुत हद तक न्यूमेरिकल्स पे डिपेंडेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंडेंट है. तो हमारा फोकस होना चाहिए कि नाइन्थ में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करें, इसलिए इस तरह के सेशंस की अपने को बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं डालेंगे हमारा फियर खत्म नहीं होगा. फिर कहूत लास्ट में करते हैं. अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलो, ओके. आई एम स्टार्टिंग विद वन क्वेश्चन, ठीक है? मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ, पोलिंग में भी हम लोग जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन. बड़ा सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास, ठीक है? आज की क्लास बड़े सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ. रीड क्वेश्चन केयरफुली. आई हैव गॉट वन रेज हैंड रेज्ड. किसी ने हाथ रेज हैंड रेज किया है? दृष्टि, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज लेट मी नो इफ एन इशू. सर आंसर बताऊं? नहीं, आप पोल पे रिप्लाई कर दो. मैंने पोल दे दिया है, उस पर रिप्लाई करें, देन विल डिस्कस. ठीक है, अभी सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? क्या होता है कि जब पहले कोई आंसर बताया जाता है तो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा. एक्सलेंट. आई हैव गॉट 15 रिस्पॉन्स टिल येट, आउट ऑफ विच, सॉरी, आई हैव गॉट 17. वेरी गुड. आई हैव गॉट 18, आउट ऑफ विच 16 आर करेक्ट. एक्सलेंट. ये क्वेश्चन क्योंकि हमने क्लास में भी काफी हद तक डिस्कस किया था, इस तरह क्वेश्चन को डील किया था, राइटली सो, इट्स करेक्ट टू करेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए, ओके. अभी तक हमारे पास 24 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है. वेरी गुड. ओनली 5 to 6 पीपल रिमेनिंग. एवरीवन रिप्लाई क्विकली. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली. अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं और अगर हम हाफ सर्कल मूव करें, हाफ सर्कल मूव करने का मतलब क्या है? हाफ सर्कल का मूव करने का मतलब है कि ए से हम कहां पहुंच जाएंगे? बी पे. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, इट वुड बी सिंपली व्हाट? 2r, डायमीटर ऑफ द सर्कल. क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल. वेरी गुड, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर वुड बी 2r. सबने सही आंसर दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी सी. लेट्स गेट टू दिस. करेक्ट आंसर वुड बी सी. चलो, वेरी गुड. तो पहला क्वेश्चन मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया. स्टिल 19 पीपल ने सही रिस्पॉन्स दिया, 11 लोगों ने अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है सही से. क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना ज्यादा सॉल्व किए वाला क्वेश्चन, करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ज्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है. एवरीवन ट्राई दिस आउट. सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करें. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. Numerical ratio. ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है. I'm getting good number of replies. Very good. Numerical ratio of displacement to distance of a moving object is. Very good. I've got 9 replies. Everyone try this out. I've got 23 replies. अभी तक हमारे पास 23 रिप्लाई आ चुके हैं. 24. Still 7 people to reply. और ये स्लाइड दे दूंगा आपको, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. Numerical ratio of displacement to distance for a moving object is.
डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इधर लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. तो अगर इसका रेशियो बोलें, अगर न्यूमेरिकल रेशियो बोलें, अगर तो अगर ये इसको ऐसे लेके नीचे लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू वन. ये हमेशा वन या उससे कम होगा, इक्वल और लेस देन वन. डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या तो इक्वल होगा. इसी से आता है कि हमेशा क्या होगा रेशियो, इक्वल और लेस देन वन. क्लियर है क्या? आई हैव गॉट 10 पीपल आउट ऑफ 26 रिप्लाई हु हैव गिवन करेक्ट आंसर. स्टिल 16 एंड 17 पीपल हैव रिप्लाइड इनकरेक्ट. न्यूमेरिकल रेशियो का सीधा मतलब रेशियो सीधा सीधा नंबर में, नंबर के फॉर्म में रेशियो सीधा सीधा पूछ रहा है. ठीक है, न्यूमेरिकल लिखना इसलिए जरूरी था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डिवाइड रेशियो नहीं निकाल सकते थे, इसलिए न्यूमेरिकल दे दिया गया. मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस. क्लियर है? अपूर्वा, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है. हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी ए से लेके बी में जा रहा है, अगर तो अगर शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस होगा ए बी का लेंथ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ए से बी. क्लियर है? तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या इक्वल होगा. इक्वल कब होगा, जब वो बॉडी क्या होगा, स्ट्रेट पाथ में मूव ए से बी की तरफ कर जाएगा. इसीलिए कहते हैं इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है क्या? और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा. देन वन क्यू सर, मैंने बोला कि अगर मान लो इक्वेशन में अगर एक को इधर लेके आओगे तो डिवीजन में क्या बचेगा, यहाँ पे वन ही तो बचेगा. अगर मैं सिंपल बोल रहा हूं कि मान लो डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका एक मतलब तो तय है ना कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है, तो नंबर हमेशा वन से कम होगा, रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में होगा. श्रीजा, तो हमेशा फ्रैक्शन में होगा तो क्या फ्रैक्शन वन से हमेशा कम नहीं होता है क्या? अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमेशा जो फ्रैक्शन होगा उसमें न्यूमिरेटर हमेशा कम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा, तो क्या वो वैल्यू वन से कम नहीं होगी क्या? इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलिए स्क्रीन पे आपके एक और क्वेश्चन है. Let's try this question. सब लोग इस question को try करें. आराम से पढ़ो question को, बहुत easy question है. Read question carefully. नहीं गलत है समीर, समीर गलती कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत बड़ा ब्लंडर किया आपने. व्हाट यू आर सेइंग रजनीश, अप्रोक्स तो आपका सही है, अप्रोक्स बिल्कुल सही, बट थोड़ा कैलकुलेट भी करो रजनीश. मुझे पता है कि आपने दिमाग क्या लगाया है, अपने सॉल्व भी कैसे किया है, लेकिन वो थोड़ा ना उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा. वो आपको ही पता है पॉइंट में, एग्जैक्ट आंसर तो पॉइंट में ही आएगा. नहीं अनिश, गलती हो रही है, ब्लंडर किया आपने, थोड़ा फिर से सोचो. मेरे पास जो आंसर आया है आयुषी, आयुषी आपका यूनिट मुझे जानना बहुत जरूरी है, यूनिट क्लियर होना चाहिए. आयुषी आपका यूनिट क्लियर नहीं है, अपूर्वा गलत है, अपूर्वा गलत है. नहीं अक्षरा,
गलत हुआ है कैलकुलेशन. श्रेयस मीटर पर सेकंड आई एम नॉट श्योर, माइट बी करेक्ट. श्रेयस किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर पर आर में अगर होता तो गलत. 5/18 नहीं नहीं गलत है श्रेयस आपका, मीटर पर सेकंड में भी गलत है. आप गलती जो कर रहे हो ना कि सर्कुलर मोशन है और पूरा एक रिवॉल्व कर रहा है, पूरा जो सर्कल है ना वो कितने टाइम में कर रहा है, 24 आवर्स में. आपका रेडियस भी ठीक है, 36,000 किलोमीटर है, रेडियस भी क्लियर है, लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि एक साइकिल में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? क्या डिस्टेंस 2πr नहीं हुआ क्या? आप लोग सीधे सीधे रेडियस ले ले रहे हो. बोलिए. नहीं पीयूष, नहीं पीयूष गलत है. किलोमीटर पर सेकंड में पीयूष आई एम नॉट श्योर, मेरी चेक करूंगा. ठीक है बिल्कुल सही है. नहीं दृष्टि गलत किया आपने. स्पीड इक्वल्स टू आपने डिस्टेंस बाय टाइम बिल्कुल सही किया, पर डिस्टेंस क्या 2πr है क्या? आप बताओ डिस्टेंस आर है कि 2πr? पूरे सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है तो अगर 2πr है, यानी 2 × π × रेडियस कितना है, 36,000 किलोमीटर. क्लियर? देखते हैं अगला. यूनिट्स खासकर कोई भी रिप्लाई करो यूनिट के साथ करो, क्योंकि आपका आंसर बहुत वेरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि यूनिट सबका डिफरेंट है. तो आपने डिस्टेंस ले लिया, अब आप बात करते हैं हम स्पीड की. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? 2π × 36,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, यानी किलोमीटर पर आवर में होगा. ये कितना हो जाता है? ये 1500, यानी कुल ये आंसर आ रहा है 3000π/km/h. मुझे लगता है कि आई थिंक किसी का आंसर सही आया था इसमें. इसमें आई गॉट वन आंसर, दैट्स फॉर अक्षरा. अक्षरा आपका आंसर मुझे अप्रोक्सीमेटली सही लग रहा है. आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली सही आएगा. 3000 किलोमीटर/h को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3000 × 22/7, या मैं सीधा सीधा 3.14 क्यों ना लिख दूं, 3.14 किलोमीटर/h. सॉल्व किया तो कितना हो गया, 942 किलोमीटर/h. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, आप लोगों ने जो यूनिट्स लिखे हैं उसमें गलत थोड़ा यह है कि आप लोगों ने किलोमीटर पर सेकंड में भी लिखा है. मैं वो भी बता देता हूँ. सबसे पहला चीज जो है वो स्पीड जो आया है वो मैं बता देता हूँ. स्पीड जो है वो 9420 किलोमीटर/h. अगर पर सेकंड में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9420/3600 किलोमीटर/s. पर सेकंड. क्लियर है? जस्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको. सॉल्व कर लेते हैं, ये समथिंग 2.619 किलोमीटर/s अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होगा. 2.619 जो आंसर आया है किलोमीटर पर सेकंड में बिल्कुल सही होगा. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जैक्ट सही है ना? आपको आपने 3.14 को भी और ज्यादा तक एंड तक वैल्यू लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको क्लियर है इतनी चीजें? किसी को भी कोई दिक्कत हो पूछो. क्वेश्चन सॉल्विंग का ही दिन है आज. आपको कहां दिक्कत आ रही है एग्जैक्ट बताओ. आप लोगों ने सॉल्व किया, पहली गलती तो यही थी डिस्टेंस लेने में. सृजा नहीं, सृजा इस क्वेश्चन में गलतियां कहां कहां हो रही है समझने में, इसको देखते हैं. आप थोड़ा क्वेश्चन को विजुअलाइज करो सृजा. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के जो चक्कर लगाता है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस जितना. तो सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है 24 आवर्स में. अगर मान लीजिए, अगर मैं सिंपल सा रास्ता समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? मैं बोल रहा हूं कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है 24 घंटे में. तो आप जानोगे ना कि 24 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने. तो डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? मैं बता रहा हूं समीर,
पहले सबसे पहले मैं एक एक करके आता हूँ पार्ट। सबसे पहला मैं आ रहा हूँ कैसे बना है। मैंने डिस्टेंस पहले निकाल लिया 2πr। मैंने बोला स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम 24 घंटे दिए हुए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। किलोमीटर में डिस्टेंस और आवर में आवर टाइम आवर आवर में टाइम है। सॉल्व किया, सॉल्व करके 3000 किलोमीटर पर आया। समझने का अभी तक कुछ नहीं, यहां तक आ गया। अब मैंने पाई को 3.14 लिख दिया है, तो ये फाइनली किलोमीटर पर आवर आ गया। समीर ने सवाल पूछा है कि सर किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, तो कुछ नहीं किया। 3600, एक आवर में कितना सेकंड होता है, एक आवर में सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, तो डिवाइड कर दिया। क्लियर है क्या? तो किलोमीटर, एक किलोमीटर पर आवर था, एक आवर में पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो उसको 3600 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, क्या ये क्वेश्चन जो सिखाना चाहता था सीख समझ में आया क्या? आस्था, आस्था, श्रीजा, चलिए अगर वो क्लियर है तो एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन केयरफुली, डोंट हरी अप टू सॉल्व क्वेश्चंस। याद रखना बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का कहूत नहीं खेलेंगे हम लोग आज। रजनीश कुछ भी मिसिंग नहीं है। नहीं रजनीश, या मिसिंग है रजनीश, मिसिंग है। मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए और बी का भी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस यू हैव टू बी गिवन टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्विज खेलेंगे, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग कहूत खेलेंगे क्विज, यू विल एंजॉय। पहले अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्विज। यू विल एंजॉय, यू विल हैव वेरी टू मच थिंग्स इन देयर, मजा आएगा। एवरीवन, आज क्लास के एंड में पहले तो अपन ये कर लेते हैं। चलो, आई हैव गॉट मेनी आंसर्स। फर्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कि ए और बी है मेरे पास, ए और बी है, ए है और बी है, ठीक है।
सबसे पहले कोई बॉडी जो एक कार जो है वो पहले ए से बी ट्रेवल किया और फिर बी से ए ट्रेवल कर गई। क्लियर है? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? सब लोग अब एक साथ रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट का आंसर एक साथ सब रिप्लाई कर दो। चलो काफी रिप्लाई किया, वेरी गुड। पूरे क्लास का आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि वो जहां से शुरू किया था वही खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। चलो बढ़िया, पहला डन। दूसरा क्या होगा? डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई हैव गॉट टू, श्रीजा एंड नखत, दो तस्वी। आई हैव गॉट थ्री इनकरेक्ट आंसर। अदिति इनकरेक्ट है। अच्छा मान लो कि मैं ए से बी जाने में मैंने अगर 100 किलोमीटर ट्रेवल किए और सेम वहीं से आना है मुझे, तो फिर से मैं कितना ट्रेवल करूंगा? तो क्या टोटल डिस्टेंस 200 नहीं हो जाएगा क्या? क्या टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या 200 नहीं हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वोट बी टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर? बताओ। मैंने बताया था ना सृजा, कहां ध्यान है? मैंने बोला था ना कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है। अज्यूम ए से बी के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। इसके बिना इसके आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। बिना इस फंडे के आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? 200 किलोमीटर। इज इट क्लियर क्या? चलिए थर्ड पार्ट, किसी को आंसर आया क्या? I've got one answer, Ananya, Ayushi, Akshar is saying 50 km per hour. Akshar, देखते हैं. Ananya and Ayushi saying 37.5, Piyush saying 37.5, Anish and Anuja saying 40 km. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. लास्ट क्लास में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए थे हम लोग. देखते हैं. मान लीजिए कि हम लोग A से B के बीच में जा रहे हैं. पहले डिस्टेंस कितना है मान लीजिए? डिस्टेंस है D. हमेशा डिस्टेंस डी। चलो सो अब डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस आपके पास 100 किलोमीटर है। पहला ए से बी, मैं पहली जर्नी ले रहा हूं ए से बी। इस केस में अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? आप सबसे पहले इस केस में अगर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस 100 किलोमीटर। स्पीड जो है वो क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा? टी वन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो जाएगा? 100/30 यानी आवर। इज इट क्लियर क्या? पहला पार्ट डन। क्वेश्चन ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट। अब मैं दूसरा बात करता हूं। अगर बॉडी ये ए से बी की तरफ जा रहे थे हम लोग, अगर हम लोग बी से ए की तरफ जा, अगर हम लोग बी से ए की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बी से ए की तरफ जा रहे हैं अगर हम लोग, तो अब बताइए अब डिस्टेंस कितना होगा? मैं तो कहता हूं एग्जाम में साफ साफ लिखने की आदत होनी चाहिए अपने को। डिस्टेंस अगेन 100 किलोमीटर होगा। स्पीड इस बार 50 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो इस बार जो टाइम होगा वो क्या होगा? डी बाई फिर से वी, वी टू ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 100/50 इक्वल्स टू 2 आवर। और ये हो जाएगा 10/3 आवर, 10/3 आवर। क्लियर है? अब मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा, तो क्या बोलूंगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। कितना हो जा रहा है? 200 किलोमीटर by total time। कितना हो जा रहा है? 10/3 + 2। कितना हो जा रहा है? 200 by LCM ले लेते हैं नीचे। कितना हो जाएगा? 3, 10 + 60 equals to कितना हो जाएगा? 200 × 3/70 यानी
यानी अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 60/7 क्या हो रहा है 60 नहीं सॉरी ओके ओके माय मिस्टेक बिल्कुल सही है. किसी ने यहाँ पे मुझे कहा कि यहाँ पे सर सॉल्व करना होगा ठीक से. मैंने सॉल्व किया वो गलत किया था. 10 + 3 = 6 16 हो जाएगा. या 10+ में अगर बोलूँ तो कितना हो जाएगा 10+6/3 होगा जो कि फाइनली कितना हो गया 16 हो गया. यानी अगर मैं बोलूँ तो एवरेज स्पीड जो होगा वो आ रहा है 600/16. अगर इसको देखो तो 150/4 यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर क्या? बिल्कुल सही है रजनीश, वेरी गुड. मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है. हमारी जर्नी का कुल मिला के दो पार्ट था. पहला 100 किलोमीटर हम 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे. टाइम हमने निकाल लिया, क्लियर है. दूसरी जर्नी का पार्ट हम लोग 100 किलोमीटर का अगेन 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे थे. हमने फिर से इसके लिए भी टाइम निकाल लिया. अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. क्लियर है? दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया 100% कितना हो गया 200 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना हो गया 10/3 + 2. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन आज खूब करने वाले हैं हम लोग. बताइए. और अगर इशू है तो कहां पे? श्रीजा ने हैंड रेस करने को बोला है. श्रीजा पूछिए. सर आप जब भी समझाते हैं तो सर समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो क्या करें सर वो समझ में नहीं आता है. आप जब समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जब सामने क्वेश्चन रहता है तो उस सिचुएशन में सर क्या करें बहुत अगला क्वेश्चन जो आएगा एक बार क्वेश्चन को आप 2 मिनट पढ़ लेना, उसके बाद मैं आप ही से समझने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या समझ में आया. उस तरीके से समझ में आएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई तो सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं होती. सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है. ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप ठीक से पढ़ना, 2 मिनट के बाद आपको अनम्यूट करो. ठीक है, एक सवाल आया है अनन्या का. सर आई हैव टेकन टाइम फॉर अनन्या. ठीक है, अगर आप 10/3 को 3.3 ले लियो तो कोई दिक्कत नहीं है. क्या होता है ना कि थोड़ा कैलकुलेशन को संभाल के रखना है कि किससे कैलकुलेशन इजी रहे, बस इतना ही दिमाग लगाना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं. 3.3 लेना थोड़ा सा गलत इसलिए कि 3.33 लेना चाहिए था आपको. ठीक है रजनीश, पूछिए. सर वेलोसिटी और स्पीड में कुछ भी अंतर है? थोड़ा सा भी मैं बताता हूँ क्या है. हम लोग वेलोसिटी एक्चुअली अभी पढ़े नहीं है. ठीक बात. ठीक है yes. यार मैं बस इतना ही अभी कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है. समझ में आ रहा है क्या? मैंने पढ़ाया नहीं है वेलोसिटी, मैं कह रहा हूँ अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है. ठीक बात. इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या? जा करके वापस लौट रहा है ना. यस सर. ठीक है चलो, अगर सबको ये समझ में आ गया है. रोहित एक अजीत कुमार प्रसाद नेम से कुछ ज्वाइन किया है, अपने करेक्ट नेम से ज्वाइन कर लो जल्दी से. ठीक है अदरवाइज विल रिमूव यू. ठीक है नेम गलत है सो इट्स नॉट परमिसिबल. ठीक है प्लीज, आई थिंक मे बी आपके पेरेंट्स का नेम हो सकता है तो सही नाम से ज्वाइन कर लिया. रीनेम योरसेल्फ इफ यू आर नॉट एबल टू रीनेम देन. अगर दिक्कत हो रही है रीनेम करने में तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा. ठीक है चलिए, सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और श्रीजा आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, सॉल्व करने के पहले. आप मैं 2 मिनट के बाद आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्या समझ. अच्छा सुबह में क्या जैसे सुबह में अनम्यूट मैं रीनेम कर दे रहा हूँ. क्या होता है ना कि अटेंडेंस वेटेंडेंस सबके लिए आपका नाम सेव होना बहुत जरूरी है. चलिए कोई बात नहीं, चलो सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो. सीजा आपको अंडरस्टैंडिंग की इशू है तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार और उसके बाद फिर हम बात करेंगे.
और जैसा आप समझोगे मैं उसी के अकॉर्डिंग फिगर वगैरह सब कुछ ड्रॉ करूंगा। बाकी लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। इट्स नॉट टफ क्वेश्चन, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल। श्रीजा जब समझ में, अगर समझ में आ जाए तो एक बार हैंडल्स खुद भी कर सकते हो, अगर समझाना चाहते हो। लैंग्वेज क्वेश्चन का पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। ओके श्रीजा, या श्रीजा गो अहेड। सर वहां पे है अ सर्कुलर ट्रैक हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 3140 मीटर विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। सर सर्कमफेरेंस ऑफ 3140 मीटर विद ए बी, सर इतना तो समझ आ गया, बट एज वन ऑफ इट्स सर्कुलर ट्रैक कैसा होगा, सर्कुलर ट्रैक कैसा होगा समझते हैं। देखिए सर सर्कल बनेगा एक पूरा का पूरा, ठीक है। यस सर। चलो एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब चलो बढ़िया सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफेरेंस विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, एक डायमीटर है, ठीक है, एक डायमीटर है इसका ए और बी, ठीक है, एक ए बी इसका डायमीटर है। डायमीटर तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, ठीक है, सही बात है ना, ए बी डायमीटर है। अच्छा पूरा सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना है, 3140 मीटर, ठीक है ना, 3140 मीटर पूरा सर्कुलर ट्रैक का सर्कमफेरेंस है। क्या इसको मैं 2πr नहीं कह सकता हूं क्या? यस सर। चलिए पहली बात हो, अब बोल रहा है कि अ स्कूटरिस्ट, जो भी है स्कूटरिस्ट, मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अच्छा वो कहां से कहां तक जा रहा है, ए से लेके बी तक जा रहा है, यानी पाथ उसका कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा क्या सर? हाफ हाफ। यस सर। नहीं वो ए से बी जा रहा है कुछ ऐसे, क्लियर है क्या, यही उसका पाथ है क्या? यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ के सोचो श्रीजा क्या पूछ रहा है। जस्ट ट्राई श्रीजा, बाकी हम बाद में बात करेंगे, बाकी लोग सॉल्व करें। अनन्या बिल्कुल सही लग रहा है, ना मुझे फर्स्ट वाला तो क्लियर लग रहा है, मुझे सेकंड वाले पे डाउट है, सेकंड वाले पे डाउट है। पीयूष पीयूष यू हैव टू बिट केयरफुल, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो समझो कि पूरा सर्कुलर ट्रैक है, पहले सर्कुलर ट्रैक बना लो ना, पूरा का पूरा एक सर्कल है 3140 मीटर का, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है, हमको रेडियस वगैरह कुछ नहीं पता है, ठीक। बिल्कुल सही है अंशु, आप जो कहना चाहते हो बिल्कुल सही है, 3140 मीटर का पूरा सर्कुलर ट्रैक है, चलो मान लिया, ठीक है। अच्छा मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे ए से बी जाना है, और ए और बी क्या है, दोनों एक डायमीटर का पॉइंट है, मतलब आधा ही सर्कल मूव करना है ना, ए और बी में जाना है तो आधा सर्कल मूव करना है। मुझे कोई पूरा क्लास ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा स्कूटरिस्ट का, सब लोग चलो बाकी बातें बाद में सॉल्व करनी, पहले मुझे सब डिस्टेंस बताओ, खाली डिस्टेंस, आंसर में नंबर टाइप करो और भेजो, डिस्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समीर, वेरी गुड अनीश, लेकिन आंसर नहीं दिया आपने। आयुषी वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड, अक्षय वेरी गुड, अनीश वेरी गुड, आई गॉट गुड नंबर ऑफ रिप्लाइज। श्रीजा गलत है, दृष्टि गलत है। अच्छा अंशु ठीक है, अंशु थॉट करेक्ट था उसका, वो आंसर नंबर नहीं दिया था आपने। अक्षरा बिल्कुल सही है, शुभम बिल्कुल सही है। एक बात तो आप लोग ये मान रहे हो कि सरकमफ्रेंस का आधा, जो अंशु ने स्टेटमेंट दिया था कि सरकमफ्रेंस जो है उसका आधा ही मूव कर रहा है, पूरा सर्कल थोड़े ना मूव कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस का हाफ कितना होगा, पूरे सरकमफ्रेंस का लेंथ आपको दिया गया है, तो क्या सरकमफ्रेंस का हाफ कह सकते हैं क्या इसका 3140 by 2 होगा, पहले वाले का आंसर 3140 by 2 होगा, is equal to what, is equal to क्या हो जाएगा 1570। किसी को तकलीफ है क्या इसमें? बिल्कुल सही है दीदी, पाई आर, आप जो कहना चाहते हो ना कि 2πr का वैल्यू पता है हमको, पाई आर चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या पहला आंसर क्लियर है क्या सबको, फर्स्ट पार्ट? अब आते हैं दूसरे पर, अब अनुजा ने हैंड रेस किया, हाँ अनुजा पूछे फिर श्रीजा आपके पास आता हूँ। अनुजा गो अहेड। एबी भी तो लेंथ ट्रैवल कर रहा है, नहीं एबी डायमीटर के दो पॉइंट्स दिए गए और कुछ नहीं दिया, एबी के लंग ट्रैवल नहीं करना है, ट्रैवल तो मुझे सर्कुलर रोड पे ही करना है। अनुजा सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है।
मैं अनुजा बोल रहा हूँ कि अ सर्कुलर ट्रैक हैज सरकमफेरेंस ऑफ 3140 मीटर विद ए बी एज वन डायमीटर। पहला तो पहला लाइन का मतलब एक ट्रैक के बारे में बताया गया, कैसा ट्रैक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है अनुजा, ठीक। अच्छा इस सर्कुलर ट्रैक में का लेंथ टोटल कितना है, टोटल लेंथ इसका कितना है 3140 मीटर। आपको भी पता है ये सरकमफेरेंस दिया हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि ए बी ना एक डायमीटर है, अच्छा ए बी एक डायमीटर है, चलो मान लिया। अच्छा मैं बोलूं कि अगर मैं ए से बी मुझे जाना है तो कैसे जाऊंगा, सही बात है क्या अनुजा? यस सर। अच्छा ये क्या सर्कल का आधा जा रहा है क्या सरकमफेरेंस का? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। अब बात आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे लगता है कि पूरा क्लास इस बात से एग्री करता होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 2r होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 2r का पता ही नहीं है कितना होगा, लेकिन 2πr तो पता है। तो क्या जब हम जानते हैं कि 2πr कितना होगा, 2πr इक्वल्स टू 3140 होता है, तो क्या हम 2r इक्वल्स टू 3140 बाई पाई नहीं लिख सकते हैं? काफी लोगों ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल। क्या 3140 बाई पाई लिख सकते हैं क्या? बोला अच्छा कुछ लोग रेडियस निकाल लेंगे, मुझे पता है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो रेडियस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडियस निकाल लीजिए। लेकिन क्या मैं सीधा सीधा 2r भी निकाल सकता हूं क्या 3140 बाई पाई? किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा ये पाई का वैल्यू आप लोग को याद नहीं है क्या कितना होता है? क्या पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता था क्या? ये नहीं हिंट कर रहा है कि ये 1000 हो जाएगा? क्या हम कह सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r और 2r की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर? बोलिए Is it clear to all of you? क्या ये सबको क्लियर है? बताइए बच्चों, समीर ने बोला एक सर रिपीट कीजिए कैसे हम आर फाइंड आउट करेंगे। समीर जब हमने पहले लिख रखा है कि 2πr हमारा सरकमफ्रेंस है, 2πr अगर हमारा सरकमफ्रेंस है तो 3140 मीटर होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे रेडियस निकालना है तो क्या लिखूंगा 3140 बाई 2 इंटू पाई। याद रखना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 बाई 2 कितना 500 मीटर। कोई दिक्कत है क्या समीर? क्या रेडियस आ गया क्या? क्या रेडियस की वैल्यू 500 मीटर हो जाएगी क्या? बोलिए समीर, कोई दिक्कत हो तो सीखने के लिए आज क्लास किया, इसीलिए। क्या सबको ये पार्ट क्लियर है? सब लोग सॉल्व करते चलेंगे ठीक से कॉपी में। रेडियस 500 मीटर अगर आपके पास आ गया तो क्या आप नहीं निकालोगे 2r समीर, है ना? अब तीसरा जल्दी निकाल लो, तीसरा वाला तो इजी है। टाइम टेकन बाई स्कूटरिस्ट फ्रॉम रीचिंग ए टू बी, ए से बी जाने में कितना टाइम स्कूटर स्कूटर वाला लेगा? 1.57 सेकंड। ठीक है, ठीक है समीर, समीर ठीक है, एज सिंपल एज इट इज, और कुछ नहीं है, सबको पता है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस पता है सबको, और सबको इस केस का स्पीड भी पता है। डिस्टेंस कितना आया था हम लोग को, क्या डिस्टेंस हम लोग को 1570 मीटर आया भाई क्या? और अपने को टाइम 10 सेकंड आया भाई क्या? नहीं नहीं आयुषी, गलत है। सब लोग क्या थर्ड पार्ट सबको आ रहा है समझ में क्या? क्या आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना कि यहां से लेके यहां तक जाना है, आपने डिस्टेंस तो निकाल रखा है 1570 मीटर और स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का, तो निकाल लीजिए ना टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है,
निकाल लीजिए 1570 by 10 कितना हो जाएगा 157 सेकेंड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आयुषी क्लियर है? हो गया? बाकी लोग अनुजा क्लियर है क्या? मैं बोल रहा हूं कि ये ए से बी मुझे जाना है, ए से मुझे बी जाना है, और मेरे को पूरे पाथ का लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस पता है मेरे को स्पीड पता है, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे. बोलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलो ये क्वेश्चन ना बड़ा आसान क्वेश्चन दिया, ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए. अभी ये क्वेश्चन लास्ट डे भी कराया था, अभी भी करा रहा हूं. ये कॉमन क्वेश्चन है, सबसे सही होना चाहिए. लगता है क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, क्या कह रहा है, कितने पाथ पॉसिबल, कितने पार्ट में पाथ को डिवाइड करोगे, सॉल्व करो. सही है पूजा? पूजा इट्स राइट, करेक्ट है. नहीं आयुषी, गलती हो गया, जस्ट एक आपने ब्लंडर कर दिया कैलकुलेशन कैलकुलेशन में. अनुजा बिल्कुल सही है, अनीश बिल्कुल सही है, टोटल डिस्टेंस लेने में गलती कर दिया आपने अनुजा, ये आयुषी. अक्षरा बिल्कुल सही है, आयुषी वेरी गुड, अब आ गया ट्रैक पे, आ गया अब चीजें. एंड में जो भी अगर आज एब्सेंट होंगे वो एक अच्छा क्विज मिस करेंगे. आई विल क्लोज द क्लास एट व्हाट 5:45 के आसपास. विश 12 किलोमीटर पर आ, नहीं विश गड़बड़ है. श्रीजा गलती किया, पर आपने कुछ ब्लंडर किया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में गलती है श्रीजा. मैं अगर बोलूं श्रेयस का बिल्कुल सही है, श्रेयस वेरी गुड, बिल्कुल सही है. मैं बोल रहा हूं कि बंदा एक बस जो है, एक बस जो है, लेट्स वेट फॉर सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. बस जो है वो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, कितना डिस्टेंस है 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर. मैं तो कहता हूं नहीं समझ में आता तो कोई शॉर्टकट मत लगाएं आप, ए से बी जा रही है मान लीजिए, और उसके बाद बस कहां से आ रही है, बी से ए आ रही है, बी से ए आ रही है, बी से ए आ रही है. डिस्टेंस अभी भी कितना है 120 किलोमीटर और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर. सही बात, ठीक है. चल देखते हैं इस केस में, फर्स्ट केस में मेरे पास जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर, मेरे पास जो स्पीड है, मेरे पास जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर. तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, T1 इक्वल्स टू कितना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, वन कितना हो गया 120 by 40 यानी 3 आवर. क्लियर? पहले पार्ट का टाइम कितना आ गया 3 आवर, सही बात है. दूसरे में देखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है, अगेन 120 किलोमीटर, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है D/V2 120 by 30 यानी कितना हो जाएगा 4 आवर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल तरीका सॉल्व करने का। अब मैं बोलूं कि टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या कह सकते हैं, डी वन प्लस डी टू, डी वन मान लेते हैं इसको, इसको डी टू मान लेते हैं, बाय टोटल टाइम कितना, टी वन प्लस टी टू। तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 34 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है 34.2 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ श्रीजा पूछिए, बोलिए श्रीजा। सर हम इसको इस तरह से सॉल्व की थी सर, डिस्टेंस में तो गलती था ही, लेकिन सर टाइम में हम 40 डिवाइड 60 कर दिए थे। 40 डिवाइड 60 क्यों सर? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो टाइम निकालने के लिए। पर हमें जरूरत थी क्या? नहीं नहीं, अगर देखिए, अगर आप वैसे करते हो तो जो आपका आंसर आया था वो भी गलत है, क्योंकि आप टाइम को फिर मिनट में क्यों लिखाना चाहते हो, आपको जरूरत नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में, तो करने की क्यों जरूरत है चेंज, है ना? यूनिट के कन्वर्जन की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम कितने आएगा, किस में आएगा, आवर में आएगा, ठीक है? सबको आ गया समझ में क्या? काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था इसका, ठीक है? काफी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है? एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जो लोग भी चलिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी गलतियां हम यहां करेंगे सीखेंगे गलतियों से, वही बाद में हम नहीं करेंगे। डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है समीर, इसमें डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। श्रीजा जो आप जो यूनिट को के वैसे फंसे थे, ये आपको क्वेश्चन यूनिट को भी सिखा देगा यूज करना। रन्या सिंह वन, देखते हैं रन्या। ये क्वेश्चन भी अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा यूनिट में फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको। देखते हैं, मैं पोल लॉन्च करूंगा इसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं सर, डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप डी ले लो। अभी तक हमारे पास 11 रिप्लाईज आ चुके हैं और हमारे पास आज कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, हार्डली 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं सर आज के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, आप सब कुछ मिनट मीटर पर मिनट में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। गॉड, अभी तक मेरे पास 21 रिप्लाई आ चुके हैं, आप लोगों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, लेकिन आंसर करेक्ट आंसर बहुत कम लोगों का आया है। आप लोग पोल देख के बहुत जल्दबाजी करते हो आप।
विजुअलाइज करो क्वेश्चन को, क्या ये विजुअलाइजेशन हो रहा है कि दो पार्ट्स हैं, एक ए टू बी जाने का, दूसरा बी टू ए आने का। भी सोचो ए से बी जब जा रहे हैं तो डिस्टेंस मान लो डी ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड 20 मीटर पर मिनट है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि टाइम बताओ तो क्या बोलूंगा मैं, डी बाई 20 बोलूंगा क्या, मिनट कितना हो जाएगा, डी बाई 20 मिनट। और क्या अगर मेरे से कोई यहां पूछेगा टी टू तो बोलूंगा क्या कि डी बाई 30 मीटर पर मिनट है, ये भी मिनट है तो ये भी कितना हो जाएगा मिनट, मीटर पर मिनट में है तो आंसर क्या आएगा, मिनट में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो आपके पास सब कुछ टाइम मिनट में आया है, डिस्टेंस आपने मीटर में ले रखा है। तो अगर कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड तो क्या बोलोगे, डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस बाई टी वन प्लस टी टू। ये तो इतना बार यही काम कर चुके हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सॉल्व करने में आप बहुत लोग गलतियां कर रहे हो, 2D टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डी बाई 20 प्लस डी बाई 30। क्लियर है क्या? अगर मैं 2D लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, डी कॉमन ले लेंगे, 1/20 प्लस 1/30, डी और डी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा 2/ LCM लेते हैं कितना हो जाएगा 60, 23 जा 32 जा, यानी कुल मिलाकर के अपने पास 2 × 60/5 यानी 12 कितना हो गया, 24 मीटर पर मिनट। क्या होगा करेक्ट आंसर वुड बी ए। आपको यूनिट कितनी चिंता क्यों करनी थी आपको, आपको सब कुछ मिनट में था, मीटर पर मिनट में, सब कुछ मीटर पर मिनट में ही लेके जाइए। फाइनल आंसर आया 24 मीटर पर मिनट। सिर्फ 8 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, मेजॉरिटी ऑफ यू डिड इनकरेक्ट, क्योंकि आपने जल्दबाजी की। आप क्वेश्चन को टाइम दो, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो, क्वेश्चन जितना टाइम डिजर्व करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में कोई भी दिक्कत है तो पूछे। मैं बोल रहा हूं ए टू बी जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, दो पाथ है। ए टू बी डिस्टेंस स्पीड दिया हुआ है, बी टू ए डिस्टेंस स्पीड दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलो आई जस्ट होप कि सबको ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इस लॉजिक पे हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिक अपना चेंज करेंगे, ठीक है? रिटर्न बैक वाले हमने 3 क्वेश्चन कर लिया अप्रोक्सिमेटली। चलो अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ये बना लिया, मैं मान जाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हसरी जी आप पूछिए। सर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉय इज रन फॉर 20 मिनट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सर जब वो 20 मीटर रन कर रहा है तो सर यहाँ पे आर क्या कर रहा है? 20 मिनट। अब वही सर मिनट। 20 मिनट टाइम दिया हुआ है। वो रन कर रहा है 20 मिनट। बिल्कुल। 20 मिनट रन कर रहा है, स्पीड टाइम और स्पीड दिया हुआ है। तो टाइम तो सर यहाँ दो दो दिया हुआ है ना, मिनट और आर दोनों है। मैं कह रहा हूँ आपके पास ये स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, और ये टाइम दिया हुआ है। कोई आपको नहीं सुना है कभी कि 2 घंटे तक हम इस स्पीड से गाड़ी चलते रही, तो टाइम है और स्पीड दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? आपको टाइम दे दिया गया, आपको अगर स्पीड दे दिया गया तो क्या नहीं दिया गया? डिस्टेंस। क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस, अगर टाइम और स्पीड पता होगा तो? यस सर कर सकते हैं, आई विल ट्राई सर। ट्राई 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 कर।
हमारे पास दो आंसर्स आ चुके हैं, एक आंसर आया है पूजा का और एक अपूर्वा का, दोनों का आंसर डिफरेंट है। वुड लाइक कि आप एक बार रिव्यू करें अपने आंसर को, नॉट सेइंग यू आर करेक्ट और इनकरेक्ट, स्टिल जस्ट लुक एट। मेरे पूरे जर्नी में दो तरह का पाथ है, दो तरह का पाथ है। एक जो पाथ है हमारा, उसका डिस्टेंस दिया गया है, अब उसका टाइम दिया गया है कितना, टाइम इक्वल्स टू 20 मिनट, और दूसरे का टाइम दिया गया है 40 मिनट। पहले का स्पीड दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? दूसरे का स्पीड हमको नहीं पता है, क्या इतना पार्ट समझ में आ रहा है क्या कि ए से पी तक फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी कितना है, 20 मिनट की जर्नी है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, क्लियर। दूसरे पार्ट में टाइम आपको दिया गया है लेकिन आपको वेलोसिटी नहीं दिया गया है, लेकिन पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर रन है, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक काम करते हैं, फिर से मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोशन कहां से कहां तक जाएगा, ए टू पी का मोशन पहले लीजिए। सबसे पहले गिवेन चीजें लिखने की आदत डालिए, सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होता है काम, गिवेन चीजें लिखिए, टाइम 20 मिनट है, बेटर होगा कि इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लें। कितना हो जाएगा, 20/60 आवर, 1/3 आवर। क्लियर है, पहला पार्ट डन। दूसरा, स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक 18 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम स्पीड दिया हुआ है, तो कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो क्या बोलूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी 1/18 इंटू, सॉरी 18 इंटू 1/3, यानी 6 किलोमीटर। किसी को फर्स्ट पार्ट में दिक्कत है तो मेरे से पूछिए आप, किसी को ए से पी तक की जर्नी में कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को ए टू पी तक की जर्नी में कोई दिक्कत है क्या? अनुजा ने पूछा, अनुजा गो अहेड पूछिए, अनुजा पूछिए, अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ अनुजा गो अहेड, अनम्यूट किया, हाँ पूछिए। ए से पी तक में बता दीजिए ना, क्या सर एक बार और बता दीजिए ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बॉय रन्स फॉर 20 मिनट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट तक आपको वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा 20 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 आवर होता है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या 20/3 नहीं हो जाएगा, 20/60 1/3 नहीं हो जाएगा, क्लियर। तो मैंने बोला अंशु कि टाइम आ गया 1/3 आवर ए से पी तक में, स्पीड अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इंटू टाइम, बोलिए क्लियर है क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपके पास 18 पहले से ही था, टाइम कितना है 1/3 आवर, कितना हो गया 6 किलोमीटर, बोलिए क्लियर है। ये तो ए से पी तक की बात हुई, अब बात करते हैं पी से लेके बी तक। अगर पी से लेके बी तक की बात करते हैं तो फिर से बात आप कीजिएगा टाइम की, इस बार टाइम 40 मिनट है, मतलब 40/60 आवर, 2/3 आवर। स्पीड मेरे को नहीं पता है, तो अगर डिस्टेंस अपने को कोई कहेगा निकालने को, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या कहेंगे हम लोग,
डिस्टेंस कहेंगे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम यानी वी इंटू टू बाई थ्री। पता नहीं है स्पीड मेरे को नहीं पता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 2v/3 आवर। मुझे स्पीड का नहीं पता है, तो मुझे स्पीड का नहीं पता है तो हम 2v/3 ले लेंगे, क्लियर। अब मेरे पास फाइनल पार्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस का मतलब कि दोनों का डिस्टेंस का सम बाई दोनों के टाइम का सम, यही होता है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक काम करता हूं टोटल डिस्टेंस अलग से लिख लेता हूं। टोटल डिस्टेंस कितना दिया दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना है इक्वल्स टू एक का है 6 और दूसरे का है 2v/3। टोटल टाइम कितना है, एक का 1/3 है प्लस दूसरे का 2/3 है, मिला के कितना हो गया 1 आवर। 20 मिनट प्लस 40 मिनट कितना हो जाएगा 60 मिनट, एक घंटा, ठीक है। तो अब कोई पूछेगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू अपने को तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 24 बाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 6 + 2v/3 बाई टोटल टाइम कितना है 1 आवर। सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा 6 + 2v/3 = 24। इससे अगर सॉल्व करें तो 2v/3 = 24 - 6 = 18। सॉल्व करते हैं, अगर v निकालेंगे तो v कितना होगा 18 × 3/2 = 9, तो कितना आएगा 27 km/h। I've got one answer, correct answer. हमें करेक्ट आंसर आ चुका है। आयुषी का 27 आया था, बिल्कुल सही है। अक्षरा आपका भी 27 आया था, पूजा आपका भी 27 आया था, ठीक है। क्या किसी को भी दिक्कत है तो पूछो, हैव वी फ्लॉड एनी लॉजिक, क्या लॉजिक कहीं पे समझ में नहीं आ रहा वो पूछो। रजनीश पूछिए, गो अहेड। सर ये थर्ड लाइन में जो आपने बताया इसको फिर से समझा दीजिए। थर्ड लाइन बोले तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया, यस सर, एवरेज स्पीड से, टोटल एवरेज स्पीड से बता दो, ठीक है ना। अच्छा रुके रहो रजनीश, अनम्यूट रहो, थोड़ा सा समझ में भी आएगा, इंटरेक्ट करते रहो, ठीक है। रजनीश मैंने बोला कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यस सर। अच्छा टोटल डिस्टेंस अपने को यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर, सही बात, यस सर। यहां से यहां तक कैलकुलेट किया तो कितना आया था, 2v/3 आया था क्या, यस सर। दोनों को जोड़ देंगे क्या, यस सर, ठीक है। अंशु सर सुन, ध्यान से सुनो, अब मैंने बोला टोटल टाइम, तो पहले वाले का टाइम कितना था 1/3 आवर था क्या, अच्छा दूसरे वाले का टाइम 2/3 आवर था क्या, दोनों को जोड़ देंगे क्या, टोटल 1/1 आवर नहीं आ जाएगा क्या, यस सर आ गया। अच्छा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है क्या 24 किलोमीटर पर आवर। अंशु ध्यान देना, आशु अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 6 + 2v/3 हो जाएगा, तो सॉल्व नहीं कर लेंगे क्या रजनीश, समझ में आ गया होगा होपफुली, यस सर अब आ गया। चलिए एक एक नए तरह का क्वेश्चन था जहां पे आपको हो सकता है एक पार्ट का स्पीड ही नहीं दिया गया, तो आप टफ से टफ क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, इस पे फोकस करना। कहीं भी लॉजिक अलग नहीं होता है, लॉजिक सेम है। हमेशा एक एक आदत होनी चाहिए पेन चलना चाहिए फिगर बनाने के लिए, दूसरा कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके पढ़ने की भी एक आदत होनी चाहिए, ब्रेक करके भी। और मुझे अगला क्वेश्चन आप सब लोग अटेम्प्ट करोगे लॉजिक से, ठीक है, सब लोग सही बना सकते हो, किसी का गलत नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, लगता है ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा आज का, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बस मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, क्वेश्चन ब्रेक कर करके लिखने की कोशिश करें। समीर ने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, इस क्वेश्चन में क्या तीन ही चीज चाहिए, बिल्कुल तीन चीज चाहिए, स्पीड डिस्टेंस और टाइम।
ठीक, और एवरेज स्पीड मतलब पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सब लोग अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये। Radish has given answer. Sir, इसमें माइनस क्यों है? अंशु माइनस कहाँ पे है? कहाँ माइनस है? पर आवर है वो, ऊपर आवर है। चलो वो ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ। नहीं नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो किलोमीटर पर आवर है, सीधा सीधा ठीक लिखा हुआ उसमें, आवर टू दी पावर माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है सीधा सीधा। चलो मेरे पास अभी तक तीन आंसर आ चुके हैं, तीनों सही हैं, रजनीश, दृष्टि एंड पूजा, वेरी गुड। आप प्रोसेस को फॉलो करें, आप कोई जल्दबाजी ना करें, कोई शॉर्टकट नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यू डोंट नीड टू, इस एज में आपको कोई शॉर्टकट जानने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। इस पूरे जर्नी में कुल तीन पार्ट्स हैं, जर्नी के तीन पार्ट्स हैं। अपूर्व ने हैंड रेस किया, अपूर्व एक सेकंड रुक जाना बस, अपूर्व रंजन अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछो। सर फॉर टू आवर्स जो है सर, हम उसको 120 मिनट्स लिख के सॉल्व कर सकते हैं। पर आप सब फिर एक सेकंड सर, आप है ना, तो पर 120 मिनट करोगे तो फिर तो पूरा मिनट भी जाना पड़ेगा ना, 2 आवर तो इजी है ना। क्योंकि सर इसमें स्पीड 40 किलोमीटर और टाइम 2 आवर को सर अगर 120 करते हैं तो डिस्टेंस 40/120 करेंगे तो 2/3 आएगा। नहीं नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि फिर यूनिट चेंज हो जाएगा ना, यूनिट चेंज हो जाएगा तो आपको सब कुछ पर मिनट चाहिए होगा। ठीक है, क्या यूनिट तो आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको आवर में रहने देना चाहिए। ओके सर, है ना, आपके पास जर्नी के तीन पार्ट्स है। मेरे पास और भी आंसर आए हैं, रौनक आपका सही लग रहा है, अनुजा थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है, अक्षरा बिल्कुल सही है, अनन्या कैलकुलेशन में स्लाइट मिस्टेक किया हो, एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है अनन्या, गलत आपका भी आया है, अनन्या इसको वेरीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। आयुषी आपका भी सही है, या ठीक है, आपके पास जर्नी के तीन पार्ट है, क्या ये बात समझ में आ रही है? जर्नी का तीन पार्ट, पहले 30 किलोमीटर पर आवर से हाफ आवर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से 2 आवर, क्लियर है क्या? अब अगर मैं ए से बी की बात करूंगा, अगर ए से बी की बात करूंगा तो मेरे को स्पीड पता है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं प्रॉपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें जल्दी जल्दी। आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है? हाफ आवर। तो मेरे से कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कितना होगा तो क्या बोलूंगा? v1 इंटू t, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो 30 × 1/2 इतना हो गया 15 किलोमीटर, क्लियर है, पहला हो गया। अब आते हैं b2c में आते हैं। अब v2 कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं कोई कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूं।
फिर सी टू डी देख रहा हूं, वी थ्री कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टाइम कितना है 2 आवर, तो डिस्टेंस कितना है वी थ्री इंटू टी थ्री, 80 किलोमीटर हो गया। सही बात है क्या? अक्षर देख लेते हैं, अक्षर आपने आंसर क्या दिया है मुझे देखने दो एक बार। अक्षर अक्षर आंसर सही आंसर अपना भेजना ना, मैं शायद मिस हो गया पीछे, नहीं ना कट गलत है। अब थोड़ा सा आगे देख, अब मेरे से कोई पूछे कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तीनों को जोड़ देते हैं कितना होगा, 15 + 25 + 80, क्या 120 किलोमीटर आ रहा है क्या टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम समीर नहीं 37 नहीं 34 आ रहा है, अक्षर का बिल्कुल सही है अक्षर। टोटल टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम आ रहा है 1/2 आवर + 1 आवर + 2 आवर, तो सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 3 + 1/2 आवर यानी 7/2 आवर। बिल्कुल सही है। अगर मुझे अब कोई पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, कहीं दिमाग लगाना है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी 120/7/2 यानी कितना हो जाएगा 240/7। इसका आंसर तो अपने को एक बार और आ चुका है 34.28 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से। चलो इतना क्वेश्चन करने के बाद अब पूरा मॉड्यूल होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को, जितना बचा हुआ पोर्शन है फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा होमवर्क रहेगा, सब लोग अब कर लोगे ठीक है। एक्सपेक्ट कि अब आप लोगों को थोड़ा कुछ बेटर आइडिया लगा होगा, थोड़ा बेटर आइडिया लगा होगा। हाँ स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस, स्टिल आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, बट इतने क्वेश्चन को दोबारा घर में भी एक बार और बनाओगे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और दिक्कत बचेगी ठीक है। हमने मोशन का बहुत छोटा पार्ट पढ़ा है अभी तक, बहुत बड़ा चीज मोशन का पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उस पे बेस्ड भी इतने क्वेश्चन हमने बनाए हैं भाई, जस्ट एक्सपेक्ट कि अब आपको दिक्कत, अब आप इसको दोबारा सॉल्व करके इसको ठीक करोगे। होमवर्क पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने रिमेनिंग पोर्शन है पूरा होमवर्क होगा, लास्ट डे मैंने होमवर्क नहीं दिया था इसीलिए, मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस करा दूंगा फिर होमवर्क दूंगा। अब आप पूरा कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वाले सारे आईसी में भी और होमवर्क में भी, पहला पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को ठीक है। शुड वी स्टार्ट आवर कहूत क्या, बिल्कुल अवंती मॉड्यूल से। एवरीवन बताओ, चलो गेट रेडी, सो गेट रेडी फॉर इट। चलो तो मेरा आज जो हम लोग कहूत खेलने वाले ठीक है, मैं पहले तो शेयरिंग बंद कर रहा हूँ पहले तो। चलो सब लोग कहूत ऐप सबके पास है या कहूत सबने खेला होगा कभी ना कभी, तो ठीक है मैं आपको बता दूं ये कहूत क्या है। ये बेसिकली जो कहूत हम प्ले करने खेलने वाले हैं, ये कहूत बेसिकली आपको ऑल अक्रॉस द स्ट्रीम्स एंटरटेनमेंट फन गेम्स स्पोर्ट्स सब कुछ को रिलेट करेगा, ये सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ कंटेन करेगा। इंटरेस्टिंग क्विज होगा आपके जनरल अवेयरनेस, कितना नॉलेज आपको इधर उधर का है, कितना मूवीज कितना देखते हो ये भी देखेंगे, तो इस पे हमारा कहूत होगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, आई थिंक